नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे न्यूज चैनल वॉइस ऑफ इंडिया में। मैं अमरजीत कौर, खबर पंजाब से। आज बठिंडा के पावर हाउस रोड पर बने डॉक्टर भारत भूषण जिंदल के अस्पताल पर उस समय हंगामा मच गया जब डॉक्टर साहब के एक कंपाउंडर ने मरीज की रिश्तेदार के साथ छेड़खानी की हरकत की। साथ ही मरीज के रिश्तेदारों ने अस्पताल के बाहर धरना प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी भी की। मामला बढ़ता देख मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई का भरोसा दिया है। वहीं अस्पताल के डॉक्टर अपने साथी को बचाने में लगे रहे। आइए सुनते हैं पीड़ित महिला और डॉक्टर एवं पुलिस कर्मचारी को। रुके हुए मेरा भरा बाहर सो गया थी, मैं अंदर सो गई। मम्मी को ले आई सी जो मम्मी थोड़ी देर बाद में इन्हें कुंडी लगा दी। मैं क्या कुंडी क्यों लगाई हैगी भी, मेरा भरा बार बार अंदर आंदेगा। तो मैं कहता कुंडी तो चुप हो गया। मैं क्या मैं खोल दूँ, मैं तो सारी रात बैठी आँगी, कोई आऊगा तो मैं ध्यान रखूंगी। मैं कहता सोन लगी हाँ, कहना तुम सो जाओ। मैं क्या नहीं सोना, मम्मी इन्ने बीमार है, मेरा भरा बार बार चक्कर लाई जाता है। फिर तो ये चुप होकर थोड़ी देर पिया रहा। थोड़ी देर बाद मैंने कहना मेरा सिर फुट दो, मेरा इतों गर्दन दब दूंगे। थोड़ी देर बाद दो बार बोलिया। मैं क्या क्यों तेरा स्टाफ है नहीं, तू मैं कहनेगा। तो मैं फिर ये चुप करके जाके वह कहना मैं तो उही कहता सी। फिर ये मेरे को खड़ा रहा काफ़ी देर। इन्हें मम्मी कहती हाए जी, मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद हाए हाए करी। मैंने मम्मी ने जाके बह फड़ ली, तो मैं हाथ जाते सिर कदी फड़ा। मैं क्या की गल होगी, मैं उन्होंने को लेकर मेरे को खड़ा रहा काफ़ी देर बाद। ये जाके मंजे तो लेटा ना, मैं फटाफट अपना मुँह फोन चक्या, कुंडी खोली तो मेरे भरा कोल चली गई। यह मामला की होया जी? मैंने तो सुबह आके दसा भी राती किसी स्टाफ ने कोई बात सलूकी की है किसी इन्होंने पेशेंट के रिश्तेदार ना, तो मैंने दसा इन्होंने। तो मैं भी दसो जरूर बनती कार्रवाई असं करा। एक इन्होंने ना मैंने ये पूछा भी वो तुम जानते हो नहीं जानते। मैं क्या मेरे इन्होंने ना मैंने कोई पूछा, मैंने कहते जी असं पुलिसकारी करनी। मैं करो कोई गल नहीं, मैंने कोई इतराज नहीं, बल्कि चित्र लाओ वे जिन्हें मर्जी। पुलिस कोई कार्रवाई करेगी उस कंपाउंडर पर जिसने एक महिला से बदतमीजी की है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। बठिंडा से जुगनू शर्मा की रिपोर्ट, आप देखते रहिए वॉइस ऑफ इंडिया।